चलो जल्दी से दे दो अब पराठे के, तो मैं खा रही हूँ आम। मैंने तो गेट खोल के रख दिया, इतनी गर्म हो रही है गाड़ी। जाओ सो मम्मी मौसी के लिए लेने गई है आम, जल्दी आओ। कितनी देर लगा दी? सुनो तो गार्ड अंकल ने ना तब से ना वो कूलर चला रखा था ना, तो हम बैठ गए ना वहाँ पे, तो उन्होंने कूलर बंद कर दिया। अम्मा बैठा चला दिया, बंद कर दिया। अम्मा कैसे चलती हैं देखो, अम्मा कैसे चढ़ती हैं सीढ़ी। उड़ान भर रही है अम्मा। तो हम अपनी मौसी के घर आ गए हैं, मौसी वहाँ पे कुछ बना रही है। मम्मी मौसी के लिए आम लाई हैं, तो आम दे रही हैं। यहाँ पे अम्मा बैठी हुई हैं। हेलो कर दो, हाय कर दो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो अच्छे से। अच्छा ये वो है, मकेन से ही है। मौसी बता रहे हैं कि कैसे गैस निकलती है, कैसे गैस निकलती है। सेम बोल रही हूँ, आप दोनों सेम सेम लग रहे हो यहाँ से। ये मामा की भी गैस है मामा, ये अब तो गैस ही गैस। हैप्पी बर्थडे टू यू, मामा ट्राई करके बताओ, मामा ट्राई करके बताओ, ट्राई करके बताओ कैसा हो रहा है मामा। गैस जाएगी, समोसा जी की तबीयत बहुत ख़राब थी क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी जो बैकबोन है वो क्रैक हो गई थी। सो अभी वो ठीक हैं, चल पा रहे हैं, तो हम उन्हें ही देखने आए हुए थे। आपने बोला था आधे घंटे में चलूँगी, डेढ़ घंटे हो गए, कब चलोगे जल्दी बताओ। आधे घंटे बाद पक्का, 7:30 हो रहे हैं, 8 बजे तक चल लेना। ऐसी करते मम्मी जब अपने अपने लोगों के यहाँ आती है ना, एक घंटा बोल के दो दो घंटे तक रह जाते हैं। अब जब नानी हमारी नानी बीमार थी ना, तो ये सारा अपना घर का काम करके तब रात को जाते थे जनरल हाँ। नानी को देखने के लिए, और नानी को देख के फिर सुबह अपने घर भैंस दूध निकालने के लिए। रात भर नानी के साथ रहना, रात भर नानी के साथ रहना, नानी के भी गले में ही हुआ था, बोल नहीं पाती थी, गले का कैंसर हुआ तो नानी बोल नहीं पाती। तब मेरे पापा और मम्मी वो लालटेन लेके गाँव में तब जाते थे रात को। तो आपकी भैंस है वहाँ पे? गाय क्यों नहीं है? गाय नहीं पालते, भैंस ही पालते हैं। क्या करना है? क्या करना बाद में उनकी भैंस के बेटी को ले गया रस्सी से। हाँ रस्सी काट दे, रस्सी काट दे, चार खेत नीचे जाके तब मारो घिसड़ते घिसड़ते जाइए। तब अभी रिसेंटली नहीं, 2 साल पहले, फिर उसके बाद एक थोड़ी वही मार दी। तो बाहर ही क्यों रखी आपने? बाहर ही रख दी ने। अरे उसको कट गया, अच्छा दिन में दिन ये भी वहीं पर थी, बाघ बिल्कुल देख रहा था कि ये कब जाएगी, और जैसे ही यहाँ से मन में थोड़ा दूर गई, घर नहीं पहुँची थी, तब तक मार दिया उसको।
हाँ दूर है। हेलो मामा फोटो ले रहे हैं। हेलो आप हेलो वहाँ डेडरी जल्दी मम्मी के हाथ बच्चों जैसे हाथ है मम्मी के। क्या लम्बे हैं मेरे हाथ लंबे हैं मेरे हाथ लाल कितने हैं हाँ मेरे देखो ऐसे हो जाएंगे लाल अभी। क्या क्या खिलाना है नानी को एवोकाडो 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 लो अच्छा नानी ये 100 रुपए का बिकता है। अच्छा हाँ एक पीस जो उत्तरकाशी में लगा रखा था नाम क्या था उसमें वो सब मिला के खाओ आगे दिखाओ पेट तो दर्द है मक्खन जैसा हो गया कोई मक्खन वो ऐसे ही होता है मतलब इसमें नहीं नहीं बट ये ऐसा नहीं होता इसके अंदर अभी मम्मी ने तो बनाया नहीं सलाद पूरा काट के नमक मक्खन जैसा हो रहा है लग गया इसका पेड़ वहाँ बाहर देख रहे थे कैसा हो रहा मामा चाचा की अवोकाडो कैसा हो रहा अवोकाडो तो ये गांव में पेड़ लग गया उनका ये हां अवोकाडो नाम कभी तो चप्पल में हम लोग चलो गाइस रात के 8 बज गए 8:30 बज गए मम्मी ने बोला था 8 बजे चलेंगे 8:30 बजे जाते मैंने बोला था 2 घंटे लगा देंगे मम्मी मेरा हो रहा है यहाँ पे चलो हम आ गए हैं घर। क्या हो गया अम्मा हाँ क्या हुआ आपको अम्मा आपने हमको तो नहीं बताया कि आपके पापा उसमें थे हमें अंग्रेजों के साथ अम्मा के पापा अंग्रेजों के साथ थे क्या थे वो बताओ क्या थे वो हैं फौज में गवर्नमेंट पोस्टमैन पोस्टमैन अच्छा तो अम्मा कह रही वो अंग्रेजों के साथ रहते थे हाँ सो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अम्मा ने अपनी कहानी बताई है और अम्मा के पापा मतलब ब्रिटिश लोगों के साथ काम करते थे वो पोस्टमैन थे वहाँ पे सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच बाय सब्सक्राइब चैनल।